अस्सलाम वालेकुम शिरो, तो कैसे सब भाई? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे की जिसने खुद जब टीम में था तो कुछ खुटा नहीं और अब बहुत कुछ खुटना चाह रहा है। दोस्तों मिलो इस बंदे से, ये वो फ्लॉप एक्टर है जिसे स्टेज ड्रामे वाले भी ना रखेंगे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ये वो फ्लॉप प्लेयर है जिसे PSL ने भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एटीट्यूड नहीं मुकना चाहिए भाई। इस बंदे का बस अब एक ही काम है कि जो भी कैप्टन बने उसकी ले लो स्टैट्स की खबर। बात तो सही है मतलब भाई तू ठीक तो है। मैं इसके मैंने एनालिसिस देखे और मुझे एनालिसिस कम पर्सनल ब्रजी ज्यादा दिखा। ऐसे बंदे को वो लोग देखते हैं जो कुकू के घर आने पे उनके साथ बैठकर तमाशा देखते हैं। और अभी तो रुको भाई, ने पहला T20 2009 में खेल लिया था और लास्ट T20 2019 में खेला था फॉर पाकिस्तान। क्या इतना टाइम काफी नहीं होता टू डू समथिंग? मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि ये बंदा कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए जब खेलता था तो एक चौका मार के पवेलियन लौट जाता था। अपने आप को कोहली से कंपेयर होता देखकर ये बड़ा खुश होता था, लेकिन आप जब कैरियर का दी एंड हो गया दोनों प्लेयर्स का तो वही ये बंदा कहता है कंपैरिजन बनता नहीं था। भाई बेशक कोहली के पास धोनी था पर तेरे पास धोनी से बड़ा युवा फ्रीदी था। मुझे आज भी याद है कि ये बंदा अपनी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस के बावजूद टीम में चौकड़ी मारकर बैठा होता था। आज के दौर में रोटी गैंग थी, उस दौर में सेल्फी गैंग हुआ करती थी। ये बंदा वहां भी अपने आईब्रोज बनवाकर लुक देने बैठा होता था। और भाई तुझे ड्रॉप क्यों ना करते? मैंने कल वाली वीडियो में बात की थी कि अगर शाहीन का एटीट्यूड सही नहीं है तो ड्रॉप कर दो भाई। अगर मैं शाहीन के लिए बोल सकता हूँ तो भाई तुझे तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। मैं इस बंदे के लिए बहुत खुश था कि भाई ये बंदा टीम में वापसी कर पाएगा जब इसकी का प्रैक्टिस टीम में नाम आया, क्योंकि अभी और लोग टीवी पर बैठकर बोलने वालों में ये और सरफराज का नाम दूर दूर तक नहीं था। बस फिर इसे भी क्लाउड चाहिए था टीम में ना आ सके क्योंकि PCB वाले यंग टैलेंट को प्रमोट करना चाह रहे थे, अभी साइन को कर रहे हैं और बाकी अब और भी हमारे पास ऑप्शन है। बस फिर ये बंदा टीवी पर जाके बैठ गया। मुनाफिक मॉल हमारे पाकिस्तान ने इस कदर है कि भाई क्या ही बात है। रिसेंट वीडियो आई शान के लिए, अब कल को T20 सीरीज शुरू होगी तो भाई ने एक ही चीज कहनी, चाहे दुनिया खत्म हो रही हो या जो मर्जी हो, बाबर दिस इज योर टीम, दिस इज आवर इंटरनेशनल टीम, यू डोंट प्ले लाइक दिस और एल्स यू विल हैव टू अपोलोजाइज टू अस। मैंने मेरे प्यारे शहजाद भाई के लिए एक शेर लिखा है, दिन हो या रात हो शहजाद भाई और वकार हमेशा साथ हो। ये है अहमद शहजाद की लेगेसी जो भाई साहब कैश कर रहे होते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो भाई एक आधा सब्सक्राइब का बटन ठोक के चले जाओ यार, कब से कह रहा हूँ 1K सब्सक्राइबर्स करने हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई एम आउट।